उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन पौष के महीने में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बिहार और बंगाल चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी के सियासी रण में उतर चुके हैं। यूपी के सहारनपुर में सपा, बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा देश को एक मजहब से जोड़कर फिरका परस्ती की बात करती है, जबकि यह देश सभी का है। मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। राष्ट्रवाद पर भी ओवैसी खुलकर बोले। सुनिए ओवैसी की पूरी बात। आज हमको इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अकीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को जबान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुजुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसायब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कॉम्पोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहां पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बताओ कि मोदी ने कहां कहां था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। ये सहारनपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं, यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज हम देख रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, बताओ उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गईं, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में
बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। तो उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार नैयर काजमी के पास अपने लोगों को भेजा कर कहती है कि नैयर काजमी, अगर तुम एहतजाज को बंद नहीं करोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। मैं उत्तराखंड की सरकार से कहना चाह रहा हूं, जेल में डालना है डाल दो, मगर याद रखो तुम हक की आवाज को दबा नहीं सकोगे। अगर आज नैयर काजमी ने कंप्लेन दी तो भारत के संविधान को बचाने के लिए कंप्लेन दी। अगर आज मंगलिस आवाज उठा रही है उत्तराखंड के धर्म संसद में जो जहर अफशानी की गई, इसलिए कि भारत को बचाना है। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। अरे आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो? अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सरसंचालक ने कहा था, कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में, बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में है, डोबन में है, गंगों में है, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जाती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। समाजवादी को भी आजकल जिन्ना याद आ रहे हैं, अखिलेश को भी जिन्ना जबान पर चढ़ गया, बीजेपी के तो दिल दिमाग पे चढ़ता ही रहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, वहां पर धर्म संसद होता है, और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का एक कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं,
और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका।